हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 13 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, ईयरली करंट अफेयर्स, सारे करंट अफेयर्स की वीडियोज आपको मिल जाएंगी, तो इस चैनल को पर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हुआ है? ए ब्राज़ील, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी रूस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बसवराजू एस को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी केरल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ के राज्य के मुख्यमंत्री के सचिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ए अरिंदम बागची, बी समीर कुमार सिन्हा, सी रणधीर जायसवाल, डी उमाकांत जसवंत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समीर कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? ए डीआरडीओ, बी कैलटेक, सी रजर, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? ए स्पेन, बी इटली, सी सिंगापुर, डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ए 9 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 11 जनवरी, डी 12 जनवरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए कोची, बी बेंगलुरु, सी नासिक, डी पुणे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है? ए म्यांमार, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी अफगानिस्तान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? ए केरल, बी असम, सी ओडिशा, डी राजस्थान। तो इस ये जो टैग मिला है वो मिला है ओडिशा के रेड आंट चटनी को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राशिद खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? ए लेखक, बी संगीतकार, सी पत्रकार, डी एक्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, संगीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भूटान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 यूएवी का अनावरण किया है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे हैं? ए फ्रांस, बी यूएई, सी सऊदी अरब, डी अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी फरीदाबाद, डी दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ए यस बैंक, बी इंड सिंध बैंक, सी एचडीएफसी बैंक, डी स्टेट बैंक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंड सिंध बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव का पद किसने संभाला है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, पद किसने संभाला है ये हो जाएगा, या फिर पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं। ए स्वाति शर्मा, बी अरुण कुमार, सी अरुण नायर, डी हरदीप सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुण नायर। नेक्स्ट है, विश्वसनीय विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ। ए मोहम्मद शमी, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली, डी जसप्रीत कौशिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शमी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 शुरू हुआ है। ए गोवा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा में। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है। ए भोपाल और सूरत, बी इंदौर और सूरत, सी चेन्नई और पटना, डी इंदौर और भोपाल। तो सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है इंदौर और सूरत को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुनर्गठित प्रधानमंत्री पुरस्कारों का मुख्य फोकस क्या है। ए परिमाणात्मक लक्ष्य, बी जिला पदाधिकारी, सी समग्र विकास, डी केंद्रीय मंत्रालय। तो जो मुख्य फोकस है वो है समग्र विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोदी एनर्जी जिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक के प्रकाशक कौन हैं। ए हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर, बी पेंगुइन रैंडम हाउस, सी साइमन और शूस्टर, डी पेंटागन प्रेस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेंटागन प्रेस। नेक्स्ट है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का इवेंट ब्यूरो कौन है। ए स्टार्टअप और सांस्कृतिक मामलों के ब्यूरो, बी औद्योगिक प्रदर्शनी ब्यूरो, सी औद्योगिक प्रदर्शनी ब्यूरो, दोनों ही सेम हैं, डी लघु व्यवसाय और उद्योग ब्यूरो। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी, ये दोनों ही सही हैं, सेम है, तो ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे औद्योगिक प्रदर्शनी ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, तीर्थ स्थलों पर स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। ए स्वच्छ भारत अभियान, बी स्वच्छ भारत अभियान, सी स्वच्छ मंदिर अभियान, डी स्वच्छ तीर्थ यात्रा परियोजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वच्छ मंदिर अभियान। नेक्स्ट है, श्री पीयूष गोयल ने इस फूड 2024 में भारत के खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या जोर दिया। ए संस्था, बी सहयोग, सी मात्रा, डी मुद्रा सुरक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहयोग पर। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा। ए मुंबई, बी चेन्नई, सी विशाखापत्तनम, डी कोची। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है, 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ए 75वीं, बी 80वें, सी 85वें, डी 90वें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80वें स्थान पर रहा है भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को कितने देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल करने की इजाज़त है। ए 50, बी 55, सी 65, डी 68। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 62 देशों में। नेक्स्ट है, किसने नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा रामलला दर्शन योजना शुरू की है। ए मध्य प्रदेश सरकार, बी उत्तर प्रदेश सरकार, सी छत्तीसगढ़ सरकार, डी बिहार सरकार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में किस दर से वैश्विक बेरोजगारी बढ़ने की उम्मीद है। ए 5.2%, बी 2.5%, सी 5.2%, डी 3.0%। तो फ्रेंड्स ए वाला और सी वाला ये दोनों ही सेम हो रहे हैं, तो दोनों ही आपके सही आंसर हो जाएंगे 5.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किसने एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया जिसने सदियों पुराने कुत्ते के मांस की खपत को समाप्त किया? ए जापान, बी भारत, सी चीन, डी दक्षिण कोरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है वह कौन सी पहली महिला घुड़सवार बनी है जिन्होंने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया है? ए सक्षमा सिंह, बी दिव्य कीर्ति सिंह, सी सुप्रिया मेहता, डी मनीषा राव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिव्य कीर्ति सिंह। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः चयनित किया गया है? ए शेरिंगटोबगे, बी जिगम लोटे, सी कर्मा काग्यू, डी लोटे टेसरिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेरिंगटोबगे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र ने अपने लुप्तप्राय कैनेट परिवार जंगली कुत्तों, भेड़ियों, सियार और लोमड़ियों के लिए एक नया अभ्यारण्य बनाया है, उसका नाम क्या है? ए अकबरपुर वन्य जंतु अभ्यारण्य, बी अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व, सी सांगली नेचर पार्क, डी महाराष्ट्र जंगल संरक्षण क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट है हर साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 2024 में महाराष्ट्र के नासिक में कौन से राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया? ए 20वें, बी 25वें, सी 27वें, डी 30वें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 2023 को सबसे गर्म वर्ष के रूप में घोषित किया? ए यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने, बी विश्व वायुमंडल अनुसंधान संगठन, सी विश्व मौसम संगठन, डी यूनेस्को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि से लेकर किस तिथि तक भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? ए 1 से 10 जुलाई, बी 11 से 20 जुलाई, सी 21 से 30 जुलाई, डी 31 जुलाई से 9 अगस्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 से 30 जुलाई तक। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।